हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में आज हम 10 जुलाई 2019 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आपको नोट करते हुए चलना है, और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना होगा। इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विथ राय एकेडमी से मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो आपसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा गया था। क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस थे 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई या फिर 7 जुलाई। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 6 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर होगा किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, राहुल द्रविड़। BCCI ने औपचारिक रूप से राहुल द्रविड़ को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। द्रविड़ NCA यानी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट से संबंधित सभी गतिविधियों की देखरेख करेंगे और NCA में खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ को सलाह देंगे और कोचिंग, प्रशिक्षण और प्रेरित करने में शामिल होंगे। अब ये निर्णय लिया गया है BCCI द्वारा, तो इसके बारे में जान लीजिए। BCCI इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके प्रेसिडेंट हैं CK खन्ना और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। ये इस क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय सहायता से निर्मित मॉडल गांव का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, श्रीलंका। श्रीलंका ने भारतीय सहायता से निर्मित पहले मॉडल गाँव का उद्घाटन किया है। गाँव युद्ध प्रभावित लोगों के लिए बनाई गई आवास परियोजनाओं का एक हिस्सा है। भारत ने 1,200 मिलियन रुपए के भारतीय अनुदान के साथ 100 मॉडल गांव बनाने के लिए श्रीलंका के आवास और निर्माण और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। अब ये समझौता या भागीदारी हुई है श्रीलंका के साथ, तो श्रीलंका के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें श्रीलंका, आप सभी को पता होगा भारत का पड़ोसी राष्ट्र है, ये है श्रीलंका। श्रीलंका की दो कैपिटल हैं कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। फिर से सुन लीजिए, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाकोस मिसोताकिस को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ग्रीस। क्रियाकोस मिसोताकिस को ग्रीस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और वह पूर्व प्रधानमंत्री कॉन्स्टेंटाइन के बेटे हैं जिनको ये पद मिला है, और जो देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सांसदों में से एक हैं। अब ये प्रधानमंत्री बने हैं ग्रीस के, तो ग्रीस के बारे में जानने के लिए वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें ग्रीस, ये है ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, यहाँ की करेंसी है यूरो, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री अभी बने हैं क्रियाकोस मित्सोताकिस यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी होगा किसे संयुक्त राष्ट्र मिशन फोर्स के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, शैलेश तिनेकर। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनेकर दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। शैलेश तिनेकर को विशिष्ट सेवा के लिए सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अब ये निर्णय लिया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र
के बारे में जान लीजिए। यहाँ के महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इनकी नियुक्ति होगी दक्षिण सूडान में। तो दक्षिण सूडान के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें दक्षिण सूडान, ये है दक्षिण सूडान, यहाँ की कैपिटल है जूबा, यहाँ की करेंसी है पाउंड और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सल्वा कीर मायरिट, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसमें आपको दक्षिण सूडान के बारे में और संयुक्त राष्ट्र के बारे में बताया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, ब्रह्मोस। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वर्टिकल स्टिप डाइव संस्करण का सफल परीक्षण किया है। मेड इन इंडिया ब्रह्मोस एरोस्पेस भी ब्रह्मोस मिसाइल के 500 किलोमीटर रेंज संस्करण के साथ तैयार है, जिसे सुखोई 30 लड़ाकू जेट से दागा जा सकता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस की सरकारों के स्वामित्व वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है और इसकी मिसाइलों का उत्पादन भारत में किया जाता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO हैं सुधीर मिश्रा और ये भारत इसमें सहयोग ले रहा है रूस का। तो रूस के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें रसिया, ये है रसिया, यहाँ की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है यहाँ की रूबल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष 2022 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ने 3 वर्ष के रोड मैप उत्कर्ष 2022 को अंतिम रूप दिया है। यह 3 वर्ष का रोड मैप केंद्रीय बैंक के विनिमय और पर्यवेक्षण में सुधार के लिए मध्यम अवधि के उद्देश्यों के लिए होगा। अब ये निर्णय लिया गया है RBI द्वारा। तो RBI के बारे में जान लीजिए। RBI इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 यानी कि 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं। इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। पहले हैं M.K. जैन, दूसरे BP कानूनगो, तीसरे विरल आचार्य और तीसरे हैं N.S. विश्वनाथन और चौथे हैं थे विरल आचार्य, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने राज्य के वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये का मासिक भत्ता देने का फैसला किया है। राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं की आर्थिक स्थितियों पर सांस्कृतिक विभाग की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है उड़ीसा सरकार द्वारा। तो उड़ीसा के बारे में जानने के लिए हम भारत का मैप देखते हैं। देखिए ये है भारत का मैप और इसमें उड़ीसा, ये है उड़ीसा, उड़ीसा की सीमा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से लगती है। यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से उड़ीसा भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 978 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 72.87%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 81.59% और महिला साक्षरता दर है 64.01%। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 की सूची में भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 86। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में भारत 86वें स्थान पर है और उस सूची में जापान और सिंगापुर
संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं, जबकि भारत का पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान 106वें स्थान पर है। अब आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2019 किसने जीता है? ऑप्शंस हैं जापान, नीदरलैंड, अमेरिका या फिर ब्राजील। ये आज के यानी कि 10 जुलाई 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।